इकोनॉमिक्स वर्चुअल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत राष्ट्रीय आय का लेखांकन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय आय का लेखांकन के अंतर्गत हम राष्ट्रीय आय का अर्थ, परिभाषा तथा अवधारणा को जानेंगे। राष्ट्रीय आय की विशेषताएं, राष्ट्रीय आय और आर्थिक विकास में संबंध, राष्ट्रीय आय की विभिन्न संकल्पनाओं का विवरण, राष्ट्रीय आय की गणना विधियां, राष्ट्रीय आय मापने में आने वाली कठिनाइयां तथा राष्ट्रीय आय की गणना का क्या महत्व है, इन सब के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय आय का अध्ययन करने से पहले हम इस बात को समझेंगे कि एक समाज में मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उत्पादन के चार साधनों जैसे भूमि, श्रमिक, पूंजी, साहसी को लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ आय के रूप में प्राप्त होती है। इस प्रकार उत्पादन आय को पैदा करता है। इस अर्जित आय से साधनों के स्वामी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग करते हैं। यही मांग उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहित करती है। उत्पादन आय तथा व्यय का निरंतर तथा अनंत रूप में प्रवाह चलता रहता है। यही तीन घटक राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आधार प्रस्तुत करते हैं। इन क्रियाओं में से किसी एक का सामूहिक माप राष्ट्रीय आय कहलाता है। अभी तक आपने राष्ट्रीय आय के विभिन्न घटकों के बारे में अध्ययन किया कि किस प्रकार राष्ट्रीय आय का निर्माण होता है। अब हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं और राष्ट्रीय आय और आर्थिक विकास में क्या संबंध है। तो सबसे पहले हम राष्ट्रीय आय का अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। एक अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में पैदा सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है, जिसकी गणना दोहरी गणना के बिना की जाती है। यह गणना प्रचलित कीमतों पर की जाती है तथा इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय सम्मिलित की जाती है। इसी को राष्ट्रीय आय कहते हैं। एक अन्य परिभाषा लेते हैं। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार देश के प्राकृतिक साधनों पर श्रम और पूंजी द्वारा कार्य करने पर प्रति वर्ष भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। इन सबकी शुद्ध उत्पत्ति का योग राष्ट्रीय आय कहलाती है। अभी तक आपने राष्ट्रीय आय का अर्थ तथा उसकी परिभाषा जाना। अब हम इसकी विशेषताओं के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। यह पैदा की गई सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। यह देश में जितनी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है उसका अंतिम जो मूल्य होता है, मौद्रिक मूल्य, उसी को इसमें शामिल हम करते हैं। दूसरा पॉइंट है, यह देश के सभी नागरिकों की आय को इसमें शामिल किया जाता है, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे उत्पादक हो, चाहे सर्विस क्लास का व्यक्ति हो, सभी की आय को इसमें शामिल किया जाता है। तीसरा, आय की गणना दोहरी गणना के बिना की जाती है, अर्थात वस्तुओं के अंतिम मूल्य को इसमें शामिल किया जाता है, मध्यवर्ती वस्तुओं को इसमें शामिल नहीं किया जाता। चौथा पॉइंट, एक लेखा वर्ष के लिए ही जितनी भी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है उन्हीं को हम राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन होता है उसका अंतिम मूल्य को हम इसमें शामिल करते हैं। पांचवा, इसमें अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं किए जाते। वस्तु के निर्माण के बाद सरकार द्वारा वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर
लगा दिया जाता है। लेकिन जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे तो हम अप्रत्यक्ष कर को इसमें से घटा देते हैं। तो आपने देखा कि राष्ट्रीय आय की क्या क्या विशेषताएं हैं। राष्ट्रीय आय और आर्थिक विकास में क्या संबंध है, उसके बारे में हम यहां जानने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय आय एक अर्थव्यवस्था में आर्थिक प्रगति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक विकास में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। उच्च प्रति व्यक्ति आय वाले देश निम्न प्रति व्यक्ति आय वाले देशों की अपेक्षा अधिक विकसित माने जाते हैं। राष्ट्रीय आय में वृद्धि से किसी भी देश के आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है, जिससे उपभोग के लिए अधिक मात्रा में वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध हो जाती हैं। इससे अधिक आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। आपने देखा होगा जैसे अमेरिका यूरोप के देश हैं, वह आर्थिक विकास अपनी चरम सीमा पे है, जिसके कारण वे देश विकसित देश कहलाए जाते हैं, क्योंकि उन देशों की राष्ट्रीय आय अन्य देशों की तुलना में बहुत ज्यादा है। इसके विपरीत राष्ट्रीय आय में कमी से किसी भी देश के आर्थिक कल्याण में कमी होती है, जिससे उपभोग के लिए कम मात्रा में वस्तुएं व सेवाएं उपलब्ध हो पाती हैं। इससे देश की अर्थव्यवस्था और आर्थिक विकास में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और देश के विकास की दर धीमी हो जाती है, जिससे देश में उद्योग रोजगार कीमतें व्यापार आदि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अर्थात जो विकासशील तथा आर्थिक रूप से पिछड़े हुए देश होते हैं वहां राष्ट्रीय आय कम होती है। भारत नेपाल पाकिस्तान अफ्रीका के कुछ देश इस श्रेणी में आते हैं। राष्ट्रीय आय की विभिन्न संकल्पनाओं का विवरण इस प्रकार है। कुल राष्ट्रीय उत्पाद जिसको GNP बोलते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एक अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में पैदा सभी अंतिम वस्तुएं तथा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है, जिसकी गणना दोहरी गणना के बिना की जाती है और यह गणना बाजारी प्रचलित कीमतों पर की जाती है। यहाँ पे दो शब्द आते हैं, एक आता है दोहरी गणना, जिसका मतलब ऐसी अंतिम वस्तुएं जो बिक्री के लिए तैयार होती हैं और जिनका आगे उत्पादन नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय आय में ऐसी वस्तुएं शामिल करनी चाहिए जिनका उत्पादन अंतिम हो। दूसरा आता है बाजारी प्रचलित कीमतें, इसका मतलब जो वस्तुएं वर्तमान बाजारी मूल्य पर बेचने को तैयार होती हैं। कुल घरेलू उत्पाद GDP जिसका मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, किसी देश में एक वर्ष की अवधि में जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उनके मौद्रिक मूल्य को ही घरेलू उत्पाद कहते हैं। इस मूल्य में से विदेशियों द्वारा जो अर्जित आय को हम घटा दिया जाता है और विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ दिया जाता है, अर्थात विदेशियों द्वारा जो हमारे देश में कार्य किया जाता है वहां के नागरिकों द्वारा, या हम वहां से जो वस्तुएं आयात करते हैं उनका मूल्य हम घटा देते हैं, और विदेशों से प्राप्त आय जो हमारे देश के लोग विदेशों में कार्य करते हैं और वहां से जो धन हमारे देश में भेजते हैं या हम जो वस्तुएं निर्यात करते हैं उनसे प्राप्त आय को इसमें जोड़ दिया जाता है। तो कुल घरेलू उत्पाद का सूत्र इस प्रकार होगा। कुल घरेलू उत्पाद को निकालने के लिए हमें कुल राष्ट्रीय उत्पाद में से निर्यात और आयात दोनों का मूल्य को घटाकर कुल राष्ट्रीय उत्पाद में से इसको हम घटाएंगे तो हमें कुल घरेलू उत्पाद की प्राप्ति होगी। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जिसको हम NNP भी कहते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट, कुल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटा देने से जो शेष बचता है उसे हम शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं।
इसको हम एक सूत्र से भी समझ सकते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को निकालने के लिए कुल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटा देते हैं, इससे हमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की प्राप्ति होगी। यहाँ पे एक शब्द आता है कि मूल्यह्रास है क्या, इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मूल्यह्रास का मतलब पहले की तुलना में वस्तु की कीमत में गिरावट आना, जैसे कि किसी वस्तु का मूल्य 2 वर्ष पहले 1,000 रुपये था, अब उसी वस्तु का मूल्य 800 रुपये हो गया, तो इसका मतलब अब उसके मूल्यह्रास में 200 रुपये की कमी हुई, अब उसकी जो वैल्यू है वस्तु की इस समय केवल 200 रुपये है, तो हम कहेंगे वस्तु का मूल्यह्रास 200 रुपये है। इसलिए हमें कुल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटाना चाहिए। शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP, जिसका मतलब हो गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, किसी देश में एक वर्ष की अवधि में देश के अपने ही साधनों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य में से यदि हम घिसावट व्यय अथवा मूल्यह्रास व्यय को घटा देंगे, जो शेष बचता है उसे हम शुद्ध घरेलू उत्पाद कहेंगे। कहने का मतलब एक देश की सीमाओं के अंदर अपने संसाधनों से हम जो वस्तु सेवा का निर्माण करेंगे उसमें से हम मूल्यह्रास या घिसावट व्यय को घटा देंगे तो हमें शुद्ध घरेलू उत्पाद की प्राप्ति होगी। इसका सूत्र इस प्रकार है, शुद्ध घरेलू उत्पाद को प्राप्त करने के लिए हमें कुल घरेलू उत्पाद में से घिसावट व्यय इसे हम घटा देंगे तो हमें शुद्ध घरेलू उत्पाद की प्राप्ति होगी, इन दो में से। अब यहां पे एक शब्द आता है घिसावट व्यय क्या होता है। घिसावट व्यय का अर्थ होता है जब उत्पादन कार्य किया जाता है तो मशीनों में घिसावटें आती हैं या वे खराब हो जाती हैं, तो उनके स्थान पर नई मशीनों का प्रयोग होता है जिससे लागत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए कुल घरेलू उत्पाद में से घिसावट व्यय को निकाल देते हैं। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय, जिसको हम NNIFC बोलते हैं, नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, बाजारी मूल्यों पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से परोक्ष कर घटाने अथवा आर्थिक सहायता जोड़ने से जो राशि प्राप्त होती है वह साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाती है, और इसी को ही हम देश की राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसका सूत्र इस प्रकार है, राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए हमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से फोरेक्स कर प्लस आर्थिक सहायता, इन दोनों को जोड़कर इसमें से हम इसको घटा देते हैं तो हमें राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। यहाँ पे दो शब्द आते हैं, एक तो आता है फोरेक्स कर और दूसरा आता है आर्थिक सहायता। ये दोनों वास्तव में होते क्या है, फोरेक्स कर वह कर होता है जो वस्तुओं के उत्पादन पर लगाया जाता है और वस्तुओं की कीमत बढ़ने पर बढ़ता है। आर्थिक सहायता जब सरकार देखती है कि देश में करों से महंगाई बढ़ रही है तो वह कुछ लोगों की आर्थिक सहायता या वस्तुओं पर सब्सिडी देती है, जैसे गैस सिलेंडर आदि पर सब्सिडी देना ही आर्थिक सहायता कहलाता है। व्यक्तिगत आय पर्सनल इनकम, एक वर्ष की अवधि में एक देश के सभी व्यक्ति या परिवार जितनी आय वास्तव में प्राप्त करते हैं उन सभी आय के योग को व्यक्तिगत आय कहते हैं। इसके अंतर्गत हम मजदूरी, वेतन, ब्याज, लगान, लाभांश आदि को इसमें हम शामिल करते हैं। कहने का मतलब कि किसी भी व्यक्ति को अगर मजदूरी मिल रही है, वेतन मिल रहा है, या कोई ब्याज से पैसे कमा रहा है, कोई भूमि से लगान कमा रहा है, या कोई शेयर के माध्यम से लाभांश कमा रहा है, उन सभी आय को हम इसमें शामिल करते हैं। इसका सूत्र इस प्रकार है,
व्यक्ति का आय निकालने के लिए हमें राष्ट्रीय आय में से सामाजिक सुरक्षा कटौती, संयुक्त पूंजी वाली कंपनियों के लाभ और हस्तांतरण भुगतान, इन्हें घटाना होगा राष्ट्रीय आय में से, तब हमें व्यक्ति का आय प्राप्त होगी। तो राष्ट्रीय आय में से व्यक्ति का आय निकालने का सूत्र है ये। इसमें एक शब्द आता है सामाजिक सुरक्षा कटौतियां, इसमें हम जीवन बीमा, मेडिकल बीमा, कई प्रकार की बीमा पॉलिसियों को इसमें हम शामिल करते हैं। संयुक्त पूंजी वाली कंपनियों के लाभ, दो या दो से अधिक कंपनियां मिलकर जो लाभ कमाती हैं उसको हम इसमें जोड़ते हैं। हस्तांतरण भुगतान, हस्तांतरण भुगतान क्या होता है, जैसे वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, छात्रवृत्ति, बेरोजगारी भत्ता आदि हस्तांतरण भुगतान में आता है, तो इसको भी हम राष्ट्रीय आय से घटाते हैं, जिससे हमें व्यक्ति आय की प्राप्ति होती है। उपभोग आय, डिस्पोजेबल इनकम, व्यक्ति तथा परिवारों के पास जो व्यक्तिक आय होती है वह सब उपभोग कार्य पर व्यय नहीं की जाती। आय का एक भाग व्यक्तिक करों के रूप में सरकार को भुगतान करना होता है। जो भाग शेष बचा रहता है वो उपभोग के काम आता है। इसका सूत्र इस प्रकार है, उपभोग आय निकालने के लिए हमें व्यक्तिक आय में से व्यक्तिक कर घटाने होंगे, तब हमें उपभोग आय प्राप्त होगी। यहाँ पर व्यक्तिक कर क्या होते हैं, यह वह कर होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप में लोगों पर लगाए जाते हैं और जिसे व्यक्तियों को सरकार को देना होता है, अर्थात जिनकी आय अधिक होती है वे इस कर को इनकम टैक्स आदि के रूप में सरकार को देते हैं। परंतु यह आवश्यक नहीं कि उपभोग आय पूरी तरह से उपभोग कर ली जाए। जो व्यक्ति अपनी आय का कुछ भाग बचा लेते हैं उसे बचत कहते हैं। कहने का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति पूरी आय को एक साथ उपभोग नहीं करता है, बल्कि उसका कुछ हिस्सा बचा लेता है। जो हिस्सा बच जाता है उसे हम बचत कहते हैं। इसका सूत्र इस प्रकार है, उपभोग आय को निकालने के लिए हमें उपभोग प्लस बचत, इससे हमें उपभोग आय प्राप्त होगी। राष्ट्रीय आय की गणना विधियां, राष्ट्रीय आय को मापने के लिए हम चार विधियों का प्रयोग करते हैं, जिनमें पहली है उत्पादन विधि, दूसरी आय विधि, तीसरी मिश्रित विधि और चौथी है व्यय विधि। इन चारों के प्रयोग से हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। राष्ट्रीय आय की माप में हम सबसे पहले उत्पादन विधि के बारे में पढ़ते हैं। इस विधि में देश के समस्त उद्योग, कृषि तथा अनेक प्रकार के व्यवसायों की कुल उपज का मूल्य चालू कीमतों पर निकाला जाता है। चालू कीमतों का मतलब वो बाजारी कीमत पर, और इससे चल अचल प्रतिस्थापन घटाकर जो शुद्ध उत्पत्ति बचती है वही उस वर्ष की राष्ट्रीय आय होती है। राष्ट्रीय आय को मापने के लिए इस विधि का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर उत्पादन से संबंधित आंकड़े उपलब्ध होते हैं, अर्थात ऐसे देशों में जो विकसित होते हैं जहां पर सभी उत्पादन का रख रखाव तथा उनके आंकड़े उपलब्ध होते हैं। दूसरा है आय विधि। इस विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय का अनुमान देश के विभिन्न व्यक्तियों के दो वर्गों की आय जोड़कर किया जाता है। इसमें सर्वप्रथम आय को पांच वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है कर्मचारियों का वेतन, दूसरा गैर कंपनी व्यापारियों की आय, तीसरा व्यक्तियों की किराए की आय, चौथा कंपनियों के लाभ और पांचवा ब्याज से आय। इन पांचों आय को हम आय विधि में
शामिल करते हैं और इसी से जोड़कर हम राष्ट्रीय आय ज्ञात करते हैं। उपरोक्त सभी आय को जोड़कर हम राष्ट्रीय आय ज्ञात कर ली जाती है। मिश्रित विधि, इस विधि के अंतर्गत उत्पादन विधि व आय विधि दोनों का प्रयोग किया जाता है। जिन उद्योगों या व्यवसायों में उत्पादन से संबंधित आंकड़े उपलब्ध होते हैं उनकी उपज का मूल्य ज्ञात करने के लिए उत्पादन विधि का प्रयोग किया जाता है तथा जिन व्यवसायों में ये आंकड़े उपलब्ध नहीं होते उनमें आय ज्ञात करने के लिए आय विधि का प्रयोग किया जाता है। भारत जैसे अल्प विकसित देशों में किसी एक विधि से राष्ट्रीय आय ज्ञात करना कठिन होता है, इसलिए इसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों पर विभिन्न ढंग अपनाकर राष्ट्रीय आय ज्ञात की जाती है। कृषि तथा उद्योगों से कुल उत्पाद विधि द्वारा, बैंकिंग, बीमा, यातायात आदि क्षेत्रों से आय विधि द्वारा तथा भवन निर्माण क्षेत्र से व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय ज्ञात की जाती है। व्यय विधि, इस विधि में राष्ट्रीय आय का माप देश के कुल व्यय के आधार पर किया जाता है। इसमें परिवार, फर्म, सरकार तथा शेष विश्व क्षेत्र के व्यय जोड़े जाते हैं। इस प्रकार निम्न चार प्रकार के मुख्य व्यय शामिल होते हैं। पहला हो गया पारिवारिक अंतिम उपभोग व्यय, इसमें परिवार द्वारा जो खर्च किया जाता है उसके व्यय शामिल किए जाते हैं। दूसरा होता है सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, सरकार द्वारा जो खर्च किए जाते हैं उसको हम इसमें शामिल करते हैं। शुद्ध निर्यात, सरकार द्वारा या देश के विभिन्न उद्योगों द्वारा जो निर्यात किया जाता है शुद्ध, उसको इसमें शामिल किया जाता है। और चौथा है शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण, जिसमें देश में जितने भी उत्पादन कार्य किए जाते हैं एक वर्ष में या नया पूंजी निर्माण किया जाता है उसको इसमें शामिल किया जाता है। भारत की राष्ट्रीय आय गणना में होने वाली कठिनाइयां, पर्याप्त एवं विश्वसनीय आंकड़ों का अभाव। हमारे देश अल्प विकसित राष्ट्र है जहां पर उत्पादन के निर्माण से संबंधित आंकड़ों का संकलन नहीं किया जाता, जिससे राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाइयां आती हैं। अधिकांश छोटे छोटे उत्पादक ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करते हैं और उनको आंकड़ों के संकलन करने की जानकारी नहीं होती। दूसरा है व्यवसायिक विशिष्टीकरण का अभाव। हमारे देश में विकसित देशों की तरह व्यवसायिक विशिष्टीकरण का अभाव है। वहां पर उद्योगों को उनकी वस्तुओं के उत्पादन के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जिससे उद्योगों से आंकड़े प्राप्त करने में आसानी होती है, जबकि हमारे देश में इसका अभाव है। तीसरा है उत्पादन के कुछ भागों की गणना करना कठिन। उत्पादन के कुछ भागों की गणना करना कठिन होता है क्योंकि कुछ वस्तुओं का निर्माण कार्य एक जगह पर ना होकर अलग अलग जगहों पर होता है। कुछ वस्तुओं तथा सेवाओं का राष्ट्रीय आय के अंतर्गत निर्धारण का अभाव, क्योंकि हमारे देश में कई लाख वस्तुओं का निर्माण होता है और इन सब वस्तुओं के आंकड़ों को इकट्ठा करना कोई आसान कार्य नहीं होता, इसीलिए हमारे देश में राष्ट्रीय आय के निर्धारण में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। देश में औद्योगिक क्षमता का पूर्ण उपयोग ना होना, हमारे देश में तकनीकी ज्ञान की कमी है तथा कार्यकुशल श्रमिकों का अभाव है, जिसके कारण हम औद्योगिक क्षमता का सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाते हैं। सरकार द्वारा लगाए गए कर तथा व्यय के कारण राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाई उत्पन्न होना। हमारे देश में उत्पादन कार्यों में कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं तथा कर चोरी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके साथ साथ कुछ व्यक्तिगत
लोग भी अपने व्यय को कितना उन्होंने खर्च किया उनके आंकड़े संभाल कर नहीं रखते, जिसके कारण हमें राष्ट्रीय आय गणना में कठिनाइयां उत्पन्न होती है। देश में प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों का सही ढंग से उपयोग ना होना, हमारा देश प्राकृतिक संसाधनों से तो बहुत अमीर है तथा मानवीय संसाधन भी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, लेकिन हम उनका सही उपयोग नहीं कर पा रहे। प्राकृतिक संसाधन में खनिज, पानी, जंगल, कई प्रकार की वस्तुएं आती हैं, और मानवीय संसाधनों में हमारे पास बहुत अधिक मात्रा में श्रमिक हैं, लेकिन हम उनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। सामाजिक व आर्थिक पिछड़ापन तथा शिक्षा तथा जागरूकता का अभाव, हमारा देश में अभी भी सामाजिक कुरीतियां तथा सामाजिक पिछड़ापन है, जिसके कारण हम आगे नई सोच के कारण कार्य नहीं कर पाते हैं। शिक्षा में हमारे यहाँ तकनीकी ज्ञान की कमी है तथा लोगों में नए नए उद्योगों के बारे में नई नई तकनीकी जानकारी के बारे में अभाव है। अधिकतर हमारी शिक्षा केवल सिद्धांत बेस पे डिपेंड करती है। तकनीकी ज्ञान का अभाव होने के कारण हम लोग विदेशों की तरह उत्पादन कार्य को तेजी से आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। दोहरी गणना की समस्या, ये हमारे यहाँ सबसे अधिक है, क्योंकि हमें वस्तुओं में इस बात को अलग नहीं कर पाते कि कौन सी वस्तु हमारी अंतिम और कौन सी मध्यवर्ती, जिसके कारण वस्तुओं की दोहरी गणना हो जाती है। कुछ वस्तुओं दो बार गणना हो जाती है, जिससे राष्ट्रीय आय का आंकलन में गड़बड़ी होती है। अमौद्रिक क्षेत्र, हमारा देश में अमौद्रिक क्षेत्र भी है, जिससे भारत के दूर दराज के इलाके, उच्च हिमालय क्षेत्र तथा घनी जंगल आबादी क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आज भी मुद्रा के बजाय वस्तुओं का लेन देन विनिमय के माध्यम से होता है, जिसके कारण वहां पर राष्ट्रीय आय की गणना करने में कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। तो ये जितने भी हमारी विशेषताएं हैं, इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय गणना में बहुत अधिक कठिनाइयां आती हैं। राष्ट्रीय आय की गणना का महत्व, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि राष्ट्रीय आय किसी भी देश की आर्थिक विकास के बारे में सही जानकारी देती है। इससे उद्योग, कृषि, सेवाओं आदि की हमें जानकारी प्राप्त होती है। मतलब किसी भी देश के बारे में हमें वहां की अर्थव्यवस्था की पूरी जानकारी उद्योगों, कृषि, सेवाओं के माध्यम से प्राप्त होती है। दूसरा, राष्ट्रीय आय की सहायता से हम दो या दो से अधिक देशों की अर्थव्यवस्था, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय आदि का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। मतलब जैसे हमें पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, अमेरिका आदि देशों की प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, और हम ये बता सकते हैं कि कौन सा देश ज्यादा खुशहाल है, किस देश में आर्थिक तरक्की ज्यादा है। तीसरा, राष्ट्रीय आय के आंकड़े किसी भी देश की आर्थिक प्रगति के सूचक होते हैं। मतलब उस देश की आर्थिक जानकारी हमें वहां के आंकड़ों से प्राप्त होती है। इसके द्वारा उत्पादन तथा अन्य क्षेत्रों में हुई प्रगति का अनुमान लगाया जा सकता है। मतलब राष्ट्रीय आय के आधार पर हम देश के आर्थिक विकास के बारे में अनुमान लगा सकते हैं कि वह देश विकसित है या अल्प विकसित है या गरीब देश है। राष्ट्रीय आय से हम किसी भी देश के निवासियों के रहन सहन के स्तर के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मतलब वहां के देश के लोगों का रहन सहन का स्तर कैसा है। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होगी तो वहां की प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी और वहां का रहन सहन का स्तर उच्च होगा, और जिस देश की राष्ट्रीय आय कम होगी वो देश अल्प विकसित और गरीब माना जाएगा, वहां लोगों का रहन सहन का स्तर निम्न होगा।
राष्ट्रीय आय के अनुमान के आधार पर किसी भी देश की सरकार और भावी योजना का निर्माण करती है। सभी देशों में वहां की सरकारें राष्ट्रीय आय के आधार पर ही अपनी भविष्य की योजनाओं का निर्माण करती है, किस किस क्षेत्र में उन्हें विकास ज्यादा करना है। सरकार की आर्थिक नीति की राष्ट्रीय आय पर भी निर्भर करती है, मतलब सरकार की जो देश की आर्थिक नीति होती है वो राष्ट्रीय आय पर निर्भर करती है, उसी के आधार पर सरकार बजट बनाती है, उसी के आधार पर सरकार पंचवर्षीय तथा अन्य प्रकार की योजनाओं का निर्माण करती है। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के आधार पर ही बजट का निर्माण, जैसे मैंने पहले बताया था कि सरकार एक वर्ष में सभी आंकड़ों को इकट्ठा करती है, फिर उसके आधार पर बजट का निर्माण करती है कि किस क्षेत्र में हमें ज्यादा विकास करना है और किस क्षेत्र में हमारी प्रगति क्या है, वो सब आंकड़ों के आधार पर सरकार देखती है। राष्ट्रीय आय से देश के आर्थिक विकास की भावी प्रवृत्ति का अनुमान लगाया जा सकता है। इसके साथ साथ रोजगार व आय के विभिन्न स्तरों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है, मतलब राष्ट्रीय आय अगर अधिक होगी तो देश का आर्थिक विकास अधिक होगा और उसी से वो अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ रही है कि नहीं। अगर राष्ट्रीय आय बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि देश में आर्थिक विकास बढ़ रहा है, और इसके साथ साथ आर्थिक विकास बढ़ेगा तो रोजगार और आय का स्तर भी बढ़ेगा। तो ये सारी जानकारी हमें राष्ट्रीय आय से प्राप्त होती है। तो इन्हीं सारी विशेषताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय का किसी भी देश के विकास के लिए बहुत ही अधिक महत्व है। अर्थशास्त्र विषय को और अच्छे से समझने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को दिए हुए लिंक पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ मेरे YouTube चैनल को आप मोबाइल से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।